क्लास 9 एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स. ये जो तीन पार्ट्स हैं इनमें हमको चेक करना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, फिर इनका रीजन एक्सप्लेन करना. तो क्लास 9 फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 1.2 का देखिए क्या है. एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ये हमें चेक करना है ट्रू है कि फॉल्स है. तो पहले हम देखें इरेशनल नंबर क्या होते हैं. इरेशनल नंबर जो रूट में रहते हैं और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहते हैं. परफेक्ट स्क्वायर यानी 25, 9, 16 जिनका अंडर रूट निकल आता है. इनका अंडर रूट डेसिमल में आएगा जो इस तरह से रहता है कि जैसे 1.414012 3 नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं होते, तो वो इरेशनल नंबर है. अब रियल नंबर क्या होता है. रियल नंबर मीन्स ऑल काइंड्स ऑफ नंबर. ऑल काइंड्स ऑफ नंबर मतलब जिसमें रैशनल भी आ गए, इरेशनल भी आ गए, इंटीजर्स भी आ गए, होल नंबर भी आ गए, और फ्रैक्शन में, माइनस में, प्लस में, सभी तरह के नंबर वो क्या कहलाते हैं, रियल नंबर. और ये खाली इरेशनल नंबर है. अब चेक करिए आप एवरी इरेशनल नंबर, क्या हर इरेशनल नंबर रियल नंबर है. हाँ है, क्योंकि इरेशनल नंबर बिलोंग करता है रियल को. इरेशनल नंबर बिलोंग्स टू द रियल नंबर, तो हर इरेशनल नंबर रियल नंबर ही है. सो दैट इज व्हाई इट इज ट्रू. अगर इसका उल्टा होता कि एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर, तब वो फॉल्स होता. क्यों होता? बिकॉज हर रियल नंबर इरेशनल नहीं हो सकता. इसमें होल नंबर भी है, रैशनल भी है, तो वो इरेशनल नहीं हो सकता. इसका उल्टा फॉल्स होता, बट दिस इज ट्रू. नाउ सेकंड पार्ट देखिए स्टूडेंट. एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम, वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर. मतलब क्या हुआ इसका, कि नंबर लाइन जो होती है इसके ऊपर पॉइंट्स होते हैं 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, सो ऑन, पूरे आगे भी होते हैं इसमें. तो इसमें कहा जा रहा है कि हर पॉइंट क्या रूट एम के फॉर्म में है. इसका मतलब देखिए मैं इसको समझाता हूँ. फॉर एग्जांपल मुझे रूट टू प्लॉट करना है यहाँ पर. तो रूट टू की जो वैल्यू होती है अप्रोक्स कितनी होती है, 1.41, तो वो प्लॉट हो जाएगा यहाँ कहीं 1.41. मुझे रूट थ्री प्लॉट करना है तो वो भी होता है 1.732 अप्रोक्स, तो वो भी 1.732 यहाँ प्लॉट हो जाएगा कहीं. और मान लीजिए मुझे रूट फोर करना है तो रूट फोर तो होता है 2, तो 2 भी प्लॉट हो जाएगा. मुझे करना है रूट नाइन, तो रूट नाइन की वैल्यू क्या होती है, 3, वो भी प्लॉट हो जाएगा. बट यहाँ प्रॉब्लम किस में आएगी, नेगेटिव में, क्योंकि किसी का भी स्क्वायर रूट नेगेटिव नहीं होता. ध्यान से सुनिए मेरी बात, किसी का भी स्क्वायर रूट नेगेटिव नहीं होता. तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स, क्योंकि इसमें कहा गया है कि एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन. तो एवरी पॉइंट नहीं हो रहा, ओनली पॉजिटिव के लिए ये ट्रू है, बट नेगेटिव के लिए ट्रू नहीं है. तो ओवरऑल आंसर क्या रहेगा, फॉल्स. थर्ड पार्ट, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर. तो देखिए फिर से एक बार देखें रियल नंबर क्या होता है. ऑल काइंड्स ऑफ द नंबर, सभी तरह के नंबर. मतलब इसमें क्या आ गया, माइनस भी आ गए, प्लस भी आ गए, जीरो भी आ गया, अंडर रूट भी आ गया, और फ्रैक्शन भी आ गया. सभी तरह के नंबर मिला के वो क्या है, रियल नंबर कहलाते हैं. अब क्वेश्चन क्या है कि एवरी रियल नंबर, क्या हर रियल नंबर इरेशनल है. देखिए नहीं है, हर रियल नंबर टू कहाँ है, इरेशनल नहीं है. सो इट इज फॉल्स स्टेट. इसको कंक्लूड कैसे कर सकते हैं, इसको एक्सप्लेनेशन कैसे कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2 इज नॉट अ इरेशनल, 1/3 इज नॉट इरेशनल, 0 इज नॉट इरेशनल. तो मतलब ये क्या है, रियल नंबर सभी तरह के नंबर का कलेक्शन है, जिसमें रैशनल भी है, इरेशनल भी है. बट इसमें कहा गया कि एवरी रियल नंबर, क्या हर रियल नंबर इरेशनल होगा, कैसे हो सकता है. 0 भी नहीं है रैशनल, 2 भी नहीं है, -1 और भी नंबर है वो नहीं है. तो रूट वाले हैं बट हर रियल नंबर इरेशनल नहीं है, देयरफॉर इट इज़ फॉल्स.